बाबू रे, कभी सोचा नहीं था कि मैं भी कभी दीघा पर आऊँगा, आके ब्लॉग करूँगा, क्योंकि भैया ऐसे पानी वानी से मेरा कोई काम नहीं है। पानी सिर्फ मेरा पीने का ही काम करता है और मैं रेगुलर पानी पीता भी हूँ। बट दिस गर्मी में दीघा में आके दिस टाइम आई कम टू दीघा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की मतलब और अबे क्या बोल रहा है, पिलियल बोल पिलियल बोल। करीब एक घंटा हो गया है, लेकिन इतना ज्यादा गर्मी है कि कोई बात नहीं कह सकता हूँ। क्या बोला? गर्मी के मौसम में ऐसे बीच वाली एरिया में बहुत ही अच्छा लग रहा है और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी महसूस हो रहा है। झूठ बोल रहा है। तो फिलहाल चलते हैं। देख रहा बहुत जनमोसित है, लोकजन बहुत है यहाँ पर। थोड़ा फ्रेश बन गए, फ्रेश होकर फिर से आएंगे यहाँ पर। तो तब तक के लिए आप लोग बने रहे मेरे साथ, तो चलते हैं। सो दिस जगह मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ है आकाशी। इज वेरी मतलब उत्सुक था यहाँ पर आने के लिए दीघा में। तो कुछ बातें चाहिए बोलना चाहिए आपको? बहुत मजा कर रहे हैं सच में, बहुत बहुत बहुत। थोड़ा कोशिश रहेगा कि बोटिंग करने का, तो उसी में आपका क्या सवाल है मतलब? चलिए देखें, ट्राई करते हैं, बहुत मजा आएगा। आज अगर पानी के अंदर चला जाएगा तो कोई बात नहीं है, तो जो होगा देखा जो होगा देखा। ठीक है, तो हमारे जो आकाश है वो हमको बोल गया कि अगर हम लोग अंदर चले गए तो चले गए, तो ठीक है। तो जैसे कि चारों तरफ यहाँ पर पब्लिक और पब्लिक है, तरह तरह की जगह पर है आइसक्रीम का दुकान, यहाँ पर भी है आइसक्रीम। यहाँ का फेमस बहुत है गोला, गुला का दुकान यहाँ पर बहुत है। और बाकी बात डिटेल्स हम बाद में देते हैं। मैं चला तो मैं दिखा। तो लेट्स डू ए एंजॉय। टुडे इज वेरी एंजॉय, इज द फार एंजॉय। सो इट्स अ वेरी लकी आई एम टूडे, क्योंकि मुझे दो दो स्टार फिश मिला है। मतलब ये आकाशी मतलब आकाश जो है उसका जो है वो पाया था, ये मैं खुद पाया हूँ। तो इसका घर ले जाने का इरादा है। कैसा लग रहा है दीघा में? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो खाना पीना कुछ हुआ? हाँ, खाना पीना किए। क्या खाया? बस चिकन कसा भात सब्जी। चिकन कसा और भात? हाँ, चिकन कसा भात सब्जी, तब पापड़, तब चटनी। मिठाई में? मिठाई में काला मिष्टी। काला मिष्टी, जामुन मिष्टी। जामुन मिष्टी। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर अभी भी मतलब जो जनबोसी जो पब्लिक है थोड़ा कम होने की इरादों में है, क्योंकि शाम ढलने वाली है। और मैं और आकाश ऑलवेज यहाँ पर हूँ, आचू दीघा दीघा आचू मैं घूमा आचू। फिलहाल अभी जाएंगे रूम पे, मतलब थोड़ा हो गया है ऐसे कोई बात, थोड़ा बाथिंग स्नान करना पड़ेगा रूम में जाके। तो इसलिए अभी बीच को थोड़ा गुड बाय कहते हुए हम जाएंगे रूम में। और जैसे कि One hour later. So, फिलहाल मैं हूँ यूएस रेजिडेंसी जो है उसका टॉप फ्लोर में।
तो यहाँ पर बहुत ही हवा, बहती हवा जैसे चल रही है। और जैसे कि पहले ही बताया था कि नीचे एक छोटा सा मार्केट है, आप लोग देख सकते हो। वाह, अभी जाएंगे नीचे, नीचे जाकर थोड़ा खाना वाना खाएंगे, स्नैक्स जैसे कुछ। सो लेट्स गो। यस, सो अभी जिस जगह पर हूँ मैं, ये उस जगह का फिफ्थ फ्लोर है, मतलब जिस होटल पे हूँ वो है यस रेजेंसी। तो यहाँ से दूर दूर तक दीघा का जो एक मार्केट है वो दिखाई दे रहा है। सो जो मिडिल वाला जो होटल है वो है यस रेजेंसी, और उसका ही थोड़ा सा इतना सा बीच बीच, मतलब बहुत ही सामना सामने एक मार्केट है। मैंगलोर से तो तीनटा दियो, चारटा चारटा, इसे चारटा, यू हैव वन। यस, तो दिस टाइम आई विल वन बॉटल इज अ बेल मैंगलोर से लेंगे, पियेंगे, फिर आप लोगों को बताते हैं कि कैसा है। यम्मी, पसंद बा? हाउ द मैंगो लस्सी? इधर थोड़ा सा तीखा बोल रहा है लेकिन हमारा तो मीठा लग रहा है। उतना बढ़िया नहीं है, मुझे दिखा जो खुद में खास नहीं, थोड़ा सा ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्या बोलता है इसको, खट्टा भी है, खट्टा भी है थोड़ा सा, खट्टा नहीं इसका हम कटा, तीखा तीखा तीखा, एकदम बढ़िया 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 है। अच्छा जी, तो ठीक है। यस, यहाँ पर हर तरफ की मछली अवेलेबल है, तो आई ट्राई टू ऑक्टोपस। भैया भैया सो आई ट्राई ऑक्टोपस दिस टाइम, बहुत कुछ है वो, मतलब ये सब तो ट्राई करता हूँ घर के वहाँ पर, तो आई ट्राई न्यू। जो कि है इस हफ्ते है कबाब, और यहाँ पर है ऑक्टोपस जो कि तैयार होकर आ गया है, तो अभी गर्म गर्म खाते हैं, खा के फिर फीडबैक देते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा होगा। सो स्वादिष्ट है एक ऑक्टोपस, इसका प्राइस है 300 रुपया, फिलहाल ठीक ठाक ही है। तो दिस टाइम आई ट्राई झींगा मछली, मतलब चिंगड़ी। जैसे कि बहुत बड़ा मार्केट है ये, तो अभी फिलहाल जो बात है गर्मी भी बाहर गई है और थोड़ा ईआर भी चल रहा है, तो फिलहाल कोशिश रहेगा दो एक चीज़ खरीदने के लिए। तो फिलहाल